गाइज, मेरा नाम शहबाद और आप देख रहे हैं टेकेरी चैनल को। गाइज, आज का सवाल जो है ये है कि अपने किसी भी मार्केट प्लेस पे ऑनलाइन सेल करने के लिए क्या आप अपने घर से बिजनेस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, या फिर उसका कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते हो। डेफिनेटली आप उसका, उस कंपनी का, जिस कंपनी के नाम से आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, कंपनी का नाम आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। बेशक आप जरूर करवाइए और करवा भी सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है और ये लीगली तौर पे सही भी है। जैसा कि आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि मिनिमम बजट, तो उसी तरीके से आप शुरू करिएगा, ट्राई करिएगा। लेकिन इसके पहले जो आपको मैं इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, शायद आपको पता हो, नहीं पता हो, फिर भी आप एक बार देख लीजिए इसको। तो गाइस, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अपने घर के एड्रेस से, तो ये आपके घर का मतलब जो भी आपका, या फिर रेंट पे अगर रह रहे हो, या फिर आप मतलब आपका खुद का हो, तो आपका जो पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, वो पैन कार्ड, आधार कार्ड आपका आपके नियरेस्ट ऑफिस जो होगा, जैसा आपका नियरेस्ट ऑफिस जो है, जैसे म्यूनसिपल हो गया, म्यूनसिपल ऑफिस होती है, और ग्राम पंचायत ऑफिस कुछ भी हो आपके, तो वहां ले जाके आप सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, उनसे बताओगे कि मुझे इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो बेसिकली आपकी मदद करेंगे। और सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के बाद जब आपका लीगली तौर पे अप्रूवल मिल जाता है, तो उसको आप अपने अपने हिसाब से बिजनेस अपना ऑनलाइन कर सकते हो। और हाँ, आप जैसा कि जो आप ये नाम डिसाइड करके, अपनी कंपनी का अपना नाम डिसाइड करके रजिस्ट्रेशन करवाया होगा कि मेरे कंपनी का नाम ये होगा, तो आप ये काम करिएगा, ठीक है, उस कंपनी का नाम एक साइन बोर्ड, मतलब एक साइन बोर्ड ऐसा कंपनी का नाम लिखवा के अपने घर के आगे जहां आप बिजनेस करोगे वहां पे आप इसको लगाइएगा। इससे दो फायदे होते हैं। पहले तो ये कि आपका जो कम्युनिकेशन आपके एरिया में बढ़ जाएगा, इससे पता चलेगा कि हाँ, आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं वहां बिजनेस, और आपकी सेल भी ऑफलाइन हो सकती है, ऑर्डर भी आ सकते हैं। और दूसरी चीज कि ये लीगली तौर पे आपको फायदा करेगी और कभी फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे तो बाद लोग तो नहीं करते हैं, लेकिन ये कर देना ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। और रही बात जो इसकी फीस है, जो आप रजिस्ट्रेशन फीस करवाओगे इसको, साल की या फिर अप्रोक्स इसमें दो 24 से 25,000 रुपये प्रोफेशनल टैक्स लगते हैं, आपको वो पे करना पड़ेगा, प्रोफेशनल टैक्स हैं। और बाकी का जो आप काम करोगे, जैसा करोगे, वो तो आपका बिजनेस में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता रहूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ये वीडियो क्लोज करता हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर और अपने फ्रेंड में टैग करना ना भूलें, और इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस करिए ताकि ये आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपको आप देख पाएं और आपकी मैं मदद कर सकूं। ओके, अभी के लिए बाय बाय, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।